तो उस लिहाज से मैं आपको ये कहूँ कि आप दोबारा, मैं माता रानी से ये दुआ करता हूँ कि दोबारा कभी ऐसा मोड़ आपको लाइफ में, आप खुशी से रहो, अच्छे से रहो, हम अभी यही बनाए। हमारे को बहुत गाइड किया था लोगों ने। हाँ जी, आप केस क्लेम करते क्योंकि क्यों नहीं करते आप केस जल्दी करिए। मैं बोल रहा वो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे करना है कि बहुत अच्छा नहीं। देखिए लोग जो है ना वो मेरी सोच है, मैंने करना है कि नहीं करना, मैंने क्या सोचा। यही समाज है, यही सोसाइटी है जिसमें जो है बड़े बड़े क्रिमिनल तैयार किए हैं। क्रिमिनल आर मेड बाई दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ देयर अनकमिंग बिहेवियर, देयर एटीट्यूड, देयर नॉन कोऑपरेशन, देयर अदर सच काइंड ऑफ थिंग्स इन लाइफ। वो क्या करते हैं, मिसगाइड करते हैं। दिस सोसाइटी मेक्स द क्रिमिनल, यही सोसाइटी है विच मेक्स दी गुड पीपल आर। तो हमने देखना है कि दिशा देनी है आपकी किस साइड चले, किसकी बात सुननी, किसकी नहीं सुननी। अब आप बताएं, आपको पूछना है, बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस था, आप बताइए जी, आप कैसे हुआ, किन हालात में हुआ और कोर्ट का क्या तालमेल रहा, आप बताएं। सर परिवार में तो थोड़ा छोटी लड़ाई होती है, हम लोग पैनिक हो जाते हैं। पैनिक नहीं होना, किसी भी बात पे हम लोग लड़ पड़े एकदम से, और ये है वो है। फिर क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पारिवारिक में, जैसे मेरे साथ कुछ सेंटीमेंट ऐसे जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे मेरी मदर पे कुछ छोटा सा बोलेगा, चाहे वो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी एलिगेशन नहीं लगाई है, लेकिन मेरे सेंटीमेंट भी इतने हर्ट हो जाते थे कि भाई मेरी मदर को किसने ऐसा क्यों बोला, मतलब ओवर उसमें हो जाता। ठीक है, सेंटीमेंट सबके होते हैं, पेरेंट्स साथ जुड़े होते हैं। मेरी मदर ने मुझे पाला है, एक्चुअली मेरी सिंगल मदर मेरी थी, उसे ब्रॉटअप में था मैं थोड़ा, उसमें कभी कोई छोटी सी बात हो जाए तो मैं बहुत ज़्यादा बुरा मान जाता था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने इमोशंस को हमेशा ही कंट्रोल रखना चाहिए इंसान को, कभी भी किसी चीज़ में पैनिक नहीं होना है। अब पारिवारिक फीलिंग्स में घर है, परिवार है, छोटी मोटी बातें होती हैं, अंडरस्टैंडिंग ये लिटिगेशन जो चली और लास्ट में आप जो कोर्ट से आपको इंसाफ मिल रहा है, आप कैसा फील कर रहे हैं? सर ये 4 साल का सेपरेशन तो सच में ही बड़ा मतलब दुखदायी ही था। जहाँ पे भी जाते हैं, लोग परिवार एक साथ होते हैं, जहाँ लोगों के बच्चे खेल रहे होते हैं अपने आसपास में, मुझे हमेशा याद आता है कि मेरा बच्चा कहाँ है। हम दूसरे बच्चों की पिकनिक करवाते हैं, दूसरे बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, दूसरों को स्विमिंग सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ है, हर वक्त मुझे याद आती है कि मेरी बेटी कहाँ है। ये तो मेरे लिए सच में दुख की बात थी। हर बात में 4 साल से मैंने कैसे काटा मुझे पता है कि मैं एक दिन भी घर नहीं बैठ सकता था। मैं सोचा बाहर चले जाऊँ, घूमूँ, दाए में रहूँ, उसमें ऐसा रहा। अभी पेनफुल था मेरे लिए। जो अदालत से आपका जो केस का निपटारा हो रहा है इस वक्त, सर आप कैसा फील कर रहे हैं? सर मैं बहुत खुश हूँ, आप एज ए जज नहीं, एज ए फादर की तरह आपने जिस तरह गाइड किया, बियॉन्ड कोर्ट से हटके आपने जो दिन गाइड किया, वो मेरे दिमाग में तब से घूम ही रहा था काफ़ी दिन से, कि जैसा अगर ऐसा कह रहे हैं तो दुनिया को कुछ लेना देना नहीं है, तो आप लड़ते रहो, लड़ते रहोगे, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप जिस तरह से आपने मेरे फादर ले सकता है ना, उसे काफ़ी फर्क पड़ा मेरे दिमाग में, असर घूमता रहा मैं कि हाँ हम तो लड़ ही रहे हैं, क्या फ़ायदा इसका है। अल्टीमेटली जब आप भी ऐसे बता रहे हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, क्या डिसीजन दे सकते हैं हम लोग आपस में, आप परिवार हो तो क्या है। देखें हम तो अपना काम करते ही हैं, लेकिन जो वकील लोग होते हैं वो एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल की तरह काम करते हैं, वो आप लोगों को कोर्ट के साथ जोड़ते हैं। तो मुझे भी लगा इस केस में आपके वकला ने भी काफ़ी, आपके जो वकील थे इन्होंने भी काफ़ी कोशिश की। तो दिलाकर मैं ये कहूँगा कि ये सबका जो है एक तरफ का एक कोशिश रहती है। तो जो मैम सबकी जो है रंग लाई, आप मेरी नुमाएँ हैं कि आप खुश रहें और अच्छे से अपनी लाइफ जो है गुजारें, और कोई इस तरह का मोड़ कभी जिंदगी में आए, बच्चा इसको पढ़ाओ लिखाओ उसकी जिंदगी। आप कुछ कहेंगे मैम? सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी भी मतलब सोसाइटी इज गुड फॉर एवरीथिंग, सोसाइटी एक पार्ट है, वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो एक दोधारी तलवार की तरह काम करते हैं। आपके फेस पे वो कुछ और बोलेंगे, पर पीछे से कुछ और बोला, एक तरह से आपको बोलेंगे झगड़ो, लड़ो, ऐसा करो, वैसा करो, उसको ये सबक सिखाओ, वो सबक सिखाओ। जब आप उस फेस पे चले जाओगे ना, वही कहेंगे ये तो गलत थी, ये ऐसे कर वैसे करिए, तो उसने अपने घर की फैमिली को ख़राब किया। तो हमें अपने थॉट पर
instead of thinking about people, what they are saying. We should give importance to our family members instead of words the people are saying. तो जो यहाँ लोकल मॉडल में ये हुआ फैसला देखी है इससे मुतमईन है कोई शक दस ग्यारह बच्चे का सबको मुबाद मानते हैं।